तो दोस्तों फाइनली मेरे सामने आप जो भी वेरिएंट देख रहे हैं ये हमारा ऑल्टो VX5 प्लस टॉप वेरिएंट है। अब मैं इसके सारे फीचर्स के बारे में जो मैं बात करने वाला हूँ और मैं बैकग्राउंड के बारे में भी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। फिलहाल हमारे पास आप देख सकते हैं ये हमारी है ऑल्टो 800 VX5 प्लस जो कि कुछ इस तरीके से इसका वेरिएंट मिलता है। देखो भाई सबसे पहले तो मैं बताऊँ यहाँ पे काफी ज्यादा बजट सेगमेंट के अंदर ये गाड़ी आती है और आपको पता 23 का ये वेरिएंट है तो मे बी आपके लिए काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है मतलब फ्यूचर में कि अगर आप गाड़ी को कभी परचेज करने की सोचते हैं तो। ठीक है फिलहाल जो भाई लुक है लुक में भी काफी अच्छा यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाती है और सबसे मेन बात भाई बजट सेगमेंट के अंदर आती है। यहाँ पे कई सारे फीचर्स के साथ मिल जाते हैं देखने को, सेंट्रल लॉकिंग वगैरह भी मिल जाती है, आपको ड्यूल की भी मिलती है जो कि इसमें देखने को मिलता है। ठीक है फिलहाल सबसे पहले तो मैं एक्सटीरियर की बात करूंगा, देन उसके बाद मैं इंटीरियर की बात करने वाला हूँ। ठीक है फिलहाल देख सकते हैं हमने अपनी गाड़ी को जो है यहाँ पे जो है अभी बंद कर लिया। ठीक है और आपको पता है इसी गाड़ी में हमको दो की मिलती है, एक मिलती है मैनुअल की मिलती है और एक मिलती है आपको यहाँ पे सेंट्रल लॉकिंग। ठीक है तो दोनों ही चाबी में आपको काफी ज्यादा डिफरेंट तो है बट फिर भी एक मैनुअल की आपको जरूरत मिल जाती है। अब यहाँ पे लॉक एंड अनलॉक का एक फीचर मिलता है जो कि सेंट्रल लॉकिंग के लिए वर्केबल है। देख सकते हैं हमारा ये अनलॉक हो गया और ये लॉक हो गया। ठीक है तो मतलब आप जो है यहाँ पे सेंट्रल लॉकिंग का आराम से यूज कर सकते हैं अपनी गाड़ी में, काफी अच्छा एक्सपीरियंस लगेगा। ठीक है अगर आप चाहें सेंट्रल लॉकिंग आपको यूज नहीं करनी तो भाई आप मैनुअल भी चीज को जो यहाँ पे की को जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है और ये देख सकते हैं खुल जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है तो काफी मतलब बढ़िया एक्सपीरियंस लगता है और ये देख सकते हैं। और यहाँ पे जो ORVM मिलता है आपको, ORVM जो है ब्लैक कलर का मिल जाता है, देख सकते हैं ये हमारा ORVM जो कि ब्लैक कलर का मिलता है देखने को। ठीक है बाकी इंडिकेटर की मैं बात करूँ तो इंडिकेटर भी जो है भाई साइड में यहाँ पे प्लेस किया गया है। कुछ जो पुरानी ऑल्टो है कुछ फीचर्स इसके मिलते जुलते हैं और कुछ सेम आपको देखने को मिलता है। बाकी मैं अगर बात करूँ यहाँ पे टायर साइज की तो आपको पता है इसमें 145/R 13 inches के टायर मिलते हैं जिसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव कह सकते हैं। और कभी ऐसी सिचुएशन में आप जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं नीचे अगर प्रॉब्लम होती है मतलब जैसे कह सकते हैं ना कि रोड डैमेज होती है तो वहाँ पे भी भाई काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव कर लेती है। तो ये चीज़ें भाई क्योंकि ऑल्टो ने काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने आपको इस गाड़ी को लेकर जो है बदला हुआ है। ठीक है फ्रंट साइड में अगर आपको दिखाऊँ तो ये देख सकते हैं फ्रंट साइड हमको कुछ इस तरीके से मिलता है और बीच में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है देखने को। ठीक है और हैलोजन हेडलाइट मिल जाता है, साथ ही साथ आपको ऑल्टो की जो बैजिंग मिल जाती है देखने को। तो कहीं ना कहीं भाई अगर मैं कहूँ तो आपको इसमें जो फीचर्स मिलते हैं ABS EBD मिलता है, साथ ही साथ स्पीड वार्निंग सिस्टम मिलता है और हाई अलर्ट स्पीड सिस्टम मिलता है, मतलब ऐसे सारे कई सारे फीचर्स के साथ भी जो है आपको ये ऑन रोड में देखने को मिल जाती है। और पहले के लिए नहीं कह सकते भाई, अब ये नहीं कह सकते कि भाई कोई इस ऑल्टो में फीचर नहीं है, भाई डेफिनेटली कई सारे फीचर्स हैं। और अगर मैं गाड़ी के अगर इंटीरियर में बैठता हूँ अगर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, देख सकते हैं अगर मैं इंटीरियर में बैठूं भाई इंटीरियर में भी काफी ज्यादा चेंजेस किया गया है। ठीक है भाई यहाँ पे टच पैनल जो कि आपको पता है टॉप मॉडल में वैसे भी मिलता ही था बट फिर भी ये ऑल्टो VX5 प्लस टॉप वेरिएंट है तो इसमें भी आपको कई सारे फीचर्स मिलते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे स्टीयरिंग में ही आपको कई सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ठीक है तो मतलब यहाँ पे कई सारे ऐसी चीजें जो कि इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों होपली आपको इस वीडियो के थ्रू कई सारे फीचर्स जो है जरूर यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।